कालिदास अकादमी में मराठी नाटक कोई दरवाजा खोलता नहीं का मंचन किया गया। कालिदास अकादमी के अभिरंग नाट्य गृह में सतीश आलेकर द्वारा रचित मराठी नाटक दार कोणी उघड़त नहीं का मंचन हुआ। निर्देशक संकेत चौहान थे। नाटक का कथासार ये था कि अशोक देशपांडे नाम का युवक अपनी जिंदगी में खुश है, पर रानी नाम की लड़की उसके जीवन को तहस नहस कर देती है। दरअसल रानी उसके जीवन में मातृत्व के सुख के लिए आती है और चली जाती है। कुठाग्रस्त अशोक आत्महत्या कर लेता है। नाटक के अभिनेता हार्दिक सोनी, अतुल सेन, आईवी चौबे, साकेत चौहान थे। संचालन सुदर्शन ने किया। आभार संस्था अध्यक्ष अनिकेत चौहान ने माना। अतिथि रंगकर्मी गिरजेश व्यास थे। पधारे आदरणीय कैलाश जी, उनका स्वागत करेंगे। कैलाश चौहान जी, बड़ा जी का आदरणीय कैलाश चौहान जी से कि उनका भी स्वागत करें। श्री गिरधारी लाल जी गहलोत उज्जैन की वो हस्ताक्षर हैं, इसने हमको मिलता रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस नाटक के चार पात्र हैं और ये चारों पात्रों के बीच की कहानी है। इस कहानी में एक स्त्री अपने मातृत्व के लिए किस तरीके की एक षड्यंत्र रचती है, उसको एक पुलिस वाला को इन्वेस्टिगेशन के टाइम उसको एक डायरी मिलती है, उस टाइम उस डायरी को वो पढ़ते पढ़ते वो उसके सामने वो पूरी कहानी प्रस्तुत होती है, वो हमने इस नाटक में दिखाया है। और ये हम 1.5 महीने से मेहनत कर रहे थे और हमारे साथ साथ हमारी टीम में और लोग भी जुड़े हुए हैं और हमारी संस्था ये परफॉर्म करने वाली है आज।